हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में एक न्यू सर्विस आई है, ब्रूम्स नौकरी करके जो है न्यू सर्विस आई है। इसी के बारे में डिटेल जानकारी आपको बताएंगे कि ब्रूम्स नौकरी करके जो है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में न्यू सर्विस आई है। इसमें आपको क्या होगा, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस टाइप की जो है ब्रूम्स नौकरी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके लिए आपको डिटेल के लिए सिंपली जो है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल जो है लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं न्यूली अराइव्ड में जो है ब्रूम्स नौकरी करके ऑप्शन आपको मिल रही है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होती है। उसके बाद व्यू प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे जो है इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। यहाँ पे वीएलई का लिस्ट, यहाँ पे वर्कर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कर की जो है आप लिस्ट को देख पाएंगे, यहाँ पे वर्कर को जो है आप ऐड कर पाएंगे। देखिए ब्रूम्स जो है आपको नौकरी प्रोवाइड करती है, यहाँ पे आपको जो है इंफॉर्मेशन को ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है रजिस्टर ए न्यू वर्कर। अगर आप वर्कर की काम करना चाहते हैं तो ब्रूम्स जो सर्विस सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में दी गई है, इसके मदद से जो है आपको जो है यहाँ पे वर्कर का जो रजिस्ट्रेशन होता है, आपका प्रोफाइल जो है ऐड होती है, उसके आधार पे जो है आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे सर्विस कैटेगरी में दो ऑप्शन आपको मिलती हैं। अगर आप डे टाइम वर्क करना चाहते हैं तो डे टाइम में रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आपको 24 आवर लाइव में जो है काम करना है तो ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या डालना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इमेज अपना फोटोग्राफ जो है अपलोड करना है। फोटोग्राफ की जो साइज होगा जेपीजी या पीएनजी में जो है आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है फुल नेम आपका क्या नाम है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। वर्कर का मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे इंटर करेंगे। वर्कर का इमरजेंसी जो है नंबर भी ऐड करना होगा। यहाँ पे जेंडर चूज कर लेंगे, आप मेल है कि फीमेल है, ये ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, मराठी लैंग्वेज जानते हैं, बंगाली जानते हैं, जो भी लैंग्वेज जानते हैं, जो लैंग्वेज, वो यहाँ पे लैंग्वेज आप मेंशन करेंगे, टाइप करेंगे। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है तो देखिए यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना होगा। अगर आप 10वीं से नीचे तक पढ़ाई किए हैं तो वो ऑप्शन चूज करेंगे, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो 10वीं करेंगे, 12th पास हैं तो 12th करेंगे, डिप्लोमा पास हैं तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे ब्रूम्स की मदद से जो है आपको जॉब प्रोवाइड की जाएंगी। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होंगी उस आधार पे जो है आपको जॉब प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपका मैच प्रोफाइल होता है तो आपको ब्रूम्स के तहत से जो है कॉल जाएंगी, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा और उसमें फिर आपको जॉब अगर सिलेक्शन होता है तो जॉब आपको मिलेंगी। तो एक तरह से आपको ब्रूम्स जो सर्विसेज है उसकी मदद से जो है आपको जॉब आपके प्रोफाइल के अनुसार आपको दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, आधार नंबर वर्कर का दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टेड सर्विस, आप डोमेस्टिक हेल्प के रूप में सर्विस लेना चाहते हैं, बेबी सिस्टर जापा के तहत, चेफ कुक के तहत या ऑलराउंडर, जो भी है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस आपको मेंशन करना होगा, विलेज, पोस्ट, पीएच, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये आपको देना है। आप कहाँ पे रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस आपको क्या है, वो एड्रेस आपको विलेज, पोस्ट, पीएच, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ आपको देना होगा। अगर आपका करंट और परमानेंट दोनों सेम है तो सेम एज करंट पे क्लिक करेंगे, पूरी दोनों साइड जो है फिल हो जाएंगी। उसके बाद स्टेट चूज करना है, कैंडिडेट का सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, उसके बाद वीएलई का स्टेट कहाँ है जहाँ से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वीएलई का डिस्ट्रिक्ट क्या है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वीएलई का जो है स्टेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना होगा। यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी जेपीजी पीएनजी में अपलोड करना है, आधार कार्ड का बैक साइड जो है फ्रंट या बैक साइड आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जैसे आधार कार्ड के अलावा आप वोटर आईडी दे रहे हैं, पासपोर्ट कॉपी दे रहे हैं या कोई और राशन कार्ड दे रहे हैं, कोई और अदर प्रूफ दे रहे हैं, तो ये इस ऑप्शन पे जाके अपलोड आप करेंगे और उसके बाद सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपकी प्रोफाइल जो है मैच होती है तो ब्रूम्स आपको जो है कॉन्टेक्ट करेगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी।
तो यहाँ पे एक बड़ी सर्विस जो है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव हो चुकी है, ब्रूम्स की करके जो है सर्विसेस है, और इसकी मदद से जो है आपको जॉब प्रोवाइड की जाएंगी, आपको जॉब मिलेंगे। तो इस तरह से जो है एक न्यू सर्विस जो है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव हो चुकी है। आप इसका इस्तेमाल करके अच्छी खासी इसमें जो है आपको कमीशन भी मिलेंगी। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी भी जिनको जॉब जरूरत है वो जिस टाइप से जॉब आप करना चाहते हैं डे टाइम या 24 आवर में, तो उस तरह से जो है आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और इस सर्विस का जो है लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।